केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 7 जून तक टली। ईडी बोली, केजरीवाल ने सेहत को लेकर झूठा दावा किया, खुद सरेंडर की बात भी झूठी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में शनिवार को राउच एवेन्यू कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली सीएम ने मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की जमानत के लिए मांग की है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोर्ट में उनकी अपील का विरोध किया। ईडी ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा की बेंच में दलील रखते हुए दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है और अपनी सेहत को लेकर जान दिए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल ने 31 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रामक दावा भी किया है कि वह 2 जून को सरेंडर करने जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने कहा कि वे बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। हालांकि कोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 7 जून को होगी। केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, जो 1 जून को खत्म हो रही है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। कोर्ट में एसजी की दलील, जब यात्रा कर रहे थे तब टेस्ट क्यों नहीं करवाए? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया, लेकिन केजरीवाल ने उस ऑर्डर को दबा दिया। इसके पीछे का यह है कि वे चुनाव प्रचार के उद्देश्य से यात्रा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तब मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया। ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि हमें अंतरिम जमानत दाखिल करने पर भी आपत्ति है, ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल नहीं सकती। वे अंतरिम जमानत पर हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। मेडिकल टेस्ट करवाने की बजाय वे यात्रा कर रहे थे, जबकि मेडिकल टेस्ट में 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। जेल में मैं 50 दिन था, इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हुआ। डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे कई टेस्ट कराने की जरूरत है, मेरी यूरिन में कीटोन का लेवल भी बढ़ा हुआ है।